में आज चौबिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता मिली है। चौबिया पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे थे बलात्कार के आरोप में 25,000 के इनामी बदमाश को वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस ने आरोपी को तलाश कर ली गई है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने निर्देश पर आज चौबिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चौबिया पुलिस ने मुखबर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान अभियान में चलते हुए 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश उस वक्त गिरफ्तार हुआ था जब तक पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी पुलिस ने मुखबर की सूचना पर मिली 5 साल पहले 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी चौबिया क्षेत्र के गुजरने वाला है। उसके बाद चौबिया पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान में चलते हुए आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी रुक नहीं पाया और जब पुलिस ने ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा बदमाश के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके चलते बदमाश के पैर में गोली लग गई थी और जिसके मौके पर ही गिर गया था। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज जनपद इटावा में थाना चौबिया क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश गुड्डू उर्फ अजय, जो पिछले 5 साल से दुष्कर्म एवं हत्या का आरोपी था और फरार चल रहा था, इस इनामी बदमाश को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने पर सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान इसको रोकने का इशारा किया गया तो बिना रुके इसने जो है आगे गाड़ी दौड़ाई और साथ ही साथ पुलिस की जो जीप है थाना चौबिया की उस पर फायर भी किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई में से गोली लगी और उसके उपरांत उसको पकड़ लिया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल से एक 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करना और उसके बाद हत्या कर देने का ये आरोपी था और 5 साल से फरार चल रहा था, लेकिन इटावा पुलिस हमारी स्वाट टीम और थाना चौबिया की मुस्तैदी एवं अथक प्रयास के बाद आज इस 25,000 इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया है। कोई बरामद हुआ इससे कोई चीज? हाँ बिल्कुल, ये इसके पास एक मोटरसाइकिल और इल्लीगल वेपन भी था और इसने जैसे मैंने बताया फायर भी पुलिस की गाड़ी पे किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है और ये 25,000 का इनामी बदमाश जो 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का आरोपी था उसको आज पकड़ने में इटावा पुलिस को सफलता हाथ। कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? मामूली चोट आई है पुलिस के गाड़ी पर, जैसे मैंने बताया फायर भी इसने किया है तो उसको भी हम लोग चेक करवा रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, बट फिलहाल इस 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में इटावा पुलिस को सफलता हाथ में। नहीं अभी फिलहाल इसका कोई भी उसमें साथी वहाँ पे प्रकाश में नहीं आया है, पूछताछ इससे करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक बच्चे के साथ दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या कर देने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में इटावा पुलिस को सफलता मिली है। और साथ ही साथ ऐसा सराहनीय कार्य करने वाली हमारी स्वाट टीम और थाना चौबिया की टीम को 15,000। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।